ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೆ ಪಿ ನಡ್ಡಾ ಅವರ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ಆಜ್ಕ ರ್ಯಾಲಿ ಬಾರೇ ಕ್ಯಾ ಕಹನಾ ಚಾಹೆಂಗೆ? ಶೀತಲಘಟ್ಟ ಮೇ ಜಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ತೋ ಪಹಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೋ ಬಹುತ್ ಕಮ್ ಸಮರ್ಥನ್ ಥಾ, ಅಭಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗೌಡಾ ಜೀ ನೇ ಜೋ ಜಾಯಿನ್ ಕಿಯಾ ಹೈ ಉನ್ಕೋ ಪಾರ್ಟಿ ನೇ ಟಿಕೆಟ್ ದಿಯಾ ಹೈ ಔರ್ ಇತನಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯಾ ಮೇ ಲೋಗೋ ನೇ ಸಮರ್ಥನ್ ಕಿಯಾ ಹೈ, ಉತ್ಸಾಹ ಉಮಂಗ್ ಮೇ ಥೇ. अवश्य रूप से यह सीट हम जीतेंगे और भाजपा की सरकार फिर से बन रही है. सर जी, एक ही बात है, नॉमिनेशन डालने के बाद बीजेपी का माहौल कम्प्लीटली बदल गया है यहाँ पे. बिल्कुल माहौल बन गया, बदल गया है. केवल भाजपा ही भाजपा दिख रही है और भारी संख्या में गांव-गांव तक लोग भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं और रामचंद्र गौड़ा जी अवश्य रूप से यह चुनाव शीतलघट्टा में जीतेंगे. चलो, पहले तो कांग्रेस और जेडीएस के बारे में यहाँ पे माहौल था, अभी पिछले एक हफ्ते के बाद कम्प्लीटली माहौल का इतना बदलने का क्या ऐसे क्या जादू किया बीजेपी ने? कांग्रेस में डिक्लाइनिंग ट्रेंड है. हाँ. और कांग्रेस ने ग्राउंड पे कुछ काम नहीं किया, केवल पॉलिटिकल मैनेजमेंट में लगी रही. और जेडीएस एक सिंकिंग शिप है, डूबता हुआ जहाज है. सब लोग को जान मालूम है कि जेडीएस का कोई भविष्य नहीं है और कांग्रेस का भी पूरे देश भर से जब सब कांग्रेस हार रही है तो कर्नाटक की जनता खैर कांग्रेस को कैसे जिताएगी, हम मान के चलिए. जब कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर से लेकर के त्रिपुरा, आसाम, सभी राज्यों में, गोवा, सभी राज्यों में हार रही है तो कर्नाटक की जनता यहाँ भी कांग्रेस को हराएगी. चलिए, शिडलघट्टे में सीकर रामचंद्र गौड़ा के बारे में क्या ऐसे पॉजिटिव चमक क्या दिखा आप लोग को इस बार? देखिए, उनकी बहुत अच्छा लोकप्रियता है, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और काफी संख्या में लोग आकर के उनको समर्थन कर रहे हैं, ऊर्जावान व्यक्ति हैं. सर, एक आखिरी क्वेश्चन है. सिद्धरामय्या जी ने आज एक क्वेश्चन उठाया है, बोम्मई एक्चुअली करप्ट सीएम बोल के. मैंने कभी भी लिंगायत लोग सारे समुदाय करप्ट नहीं बताया, मगर बीजेपी ने ये बातों को घुमाने का काम कर रहा है बोल के. जब कोई व्यक्ति हारता है और उसको सामने हार दिख रही है तो इसमें कांग्रेस को हार का हताशा दिख रहा है. इसे हार के हताशा में इस प्रकार के अपशब्द कह रही है. ये इस समय सिद्धरमैया जी और डीके शिवकुमार दोनों को ही मालूम है कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कर्नाटक में विकास का काम हुआ है, पहले येदियुरप्पा जी, अभी बोम्मई जी ने किया है, फिर से भाजपा की सरकार बननी तय है, डबल इंजन की सरकार बननी तय है. ये डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया जानते हैं, इसे हार के हताशा में ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं. इसे पूरे जनस्तोम को देख के कर्नाटक में कितना नंबर का आप लोग बोलने का? आप देखिए, अभी तो हमारे अभी प्रधानमंत्री जी की सभा शुरू होने वाली है, लाखों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आएंगे और यह मान के चलिए कि 150 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है उसको हम जरूर प्राप्त करेंगे. ओके, थैंक यू अरुण जी. इदिष्टु राज्य बीजेपी उस्तुवारी अरुण सिंग अवर अभिप्राय. मत्तष्टु पवर् वित् लीडर कार्यक्रम मत्तोंदु प्रदेशदल्लि मुंदुवरियलिदे.